कल मुझे आप में से ही एक नीट के स्टूडेंट का फोन आया था, उसने मुझे बहुत सारे अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स बताई, उसकी गलतियां बताई जिस वजह से वो फेल हुआ। उसके बाद उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या भैया मैं अभी से पढ़ के एक एम्स क्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं 680 प्लस नंबर ला सकता हूँ। तो उसको मैंने सीधा जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारे नंबर नहीं आ सकते। ये सुन के उसकी आवाज, उसकी टोन, उसकी मोटिवेशन सारी गिर गई थी। लग रहा था कि उसकी उम्मीद खत्म हो गई है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में भी यही डाउट आ रहा है, बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो कि अभी से कैसे नीट क्रैक करें, 680 प्लस नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे और कैसे आ सकते हैं, तो आपके सामने मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसको सीरियसली फॉलो करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या क्रैक करना एम्स पॉसिबल है, तो मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ यार, इस टाइम पे ना नीट में जितने महीने बचे हैं ठीक है वो सफिशियंट है। सेकेंड चीज़, एम्स क्रैक करना कोई पढ़ाई, अगर पढ़ाई से क्रैक होता ना एम्स, कौन कितना पढ़ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे लाइन में लगते हैं। ठीक है, रैंक आती है तुम्हारी मेंटल स्टेट पे, तुम्हारी मेंटल हैबिट्स पे, तुम्हारी लाइफस्टाइल पे, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी पे, जो मैंने अपने अंदर चेंजेस लाते हैं जिसमें आपको बस 20 से 25 दिन लगेंगे। मेरा नीट का एग्जाम हुआ था 2019 में मई में, मेरे नंबर थे 476। मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट ड्रॉप ईयर में हुआ था जून में, मेरे नंबर थे 650 प्लस, और उसके बाद मैंने वापस मुड़ के देखा नहीं। हमेशा मेरे नंबर 600 प्लस रहते थे और नीट में फाइनली मेरा स्कोर था 720। ये इस वजह से नहीं हुआ कि मैंने पढ़ने में कुछ अलग चेंज लाया, मैंने इस वजह से हुआ मैंने अपने लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस लाए जो आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। तो जो मैं चीज़ें बताऊंगा अगर आप वो करते हो, तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि कैन आई क्रैक नीट, वो आपका हो जाएगा उसका आंसर कि यस यू कैन क्रैक इफ यू डू दिस फॉलोइंग चेंजेस। तो मेड का लिस्ट और इन हैबिट्स को आज से आपको नेक्स्ट 21 डेज फॉलो करना है और इनसे आप जरूर नीट में एक अच्छी रैंक लेके आओगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहली चीज जो मैंने अपनाई थी और मैंने अपने अंदर चेंज किया था पूरे साल भर के लिए, वो था टाइम कटिंग। इसका मतलब क्या है भैया, देखो यार, जब मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में था तो होता क्या था कि मैं क्लास चला गया या लेक्चर कर लिए, अब आप मान लो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेक्चर कर लिया, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ पे यार ये बहुत बड़ी इशू है। तो मैंने दो चीज़ें की, पहली चीज़ मैंने प्रायोरिटाइज किया अपने पढ़ाई को, सेकेंड चीज़ मैं स्टार्टिंग से बहुत सोशल एनिमल हूँ, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब चीज़ें बहुत चलाता हूँ, सबको मुझे कट डाउन करना पड़ा। ठीक है, अगले 6 महीने तक मैंने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम रीएक्टिवेट कर दिया था, बट तब मुझे लत नहीं लगी। ठीक है, स्टार्टिंग मुझे काफ़ी एडिक्शन था इंस्टाग्राम से, तो मैंने 6 महीने के लिए पूरा काट दिया, उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी देखता था। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैंने की वो है अपने दोस्तों से कट डाउन कर लिया, अपने सोशल मीडिया ऐप से कट डाउन कर लिया। पूरे साल भर मैंने 2 से 3 दोस्त रखे थे जिनसे मैं बात कर पाऊँ, जो मेरा बाहर जाना था दोस्तों के साथ, यहाँ वहाँ घूम लिया, टहल लिया, ये सब मैंने बंद कर दिया था, और ये करना मैंडेटरी है आपको। ठीक है, आपको थोड़ा सा हार्श लग रहा होगा, बट जो ये फालतू टाइम जाता है रोज दिन के 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे आप इसमें वेस्ट कर देते हो, इनको आपको कम करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। ठीक है, ये आप कम करोगे तो आपका, आप देखोगे प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, राइट? तो कट डाउन ऑन अनवांटेड थिंग्स। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्लीप वेक साइकिल। मेरी साइकिल काफ़ी वेग थी, मतलब ये था कि मैं सभी कभी क्लास जा नहीं रहा हूँ, लेक्चर कर नहीं रहा हूँ, तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि मैं रात तक जग गया, सुबह लेट उठा, सुबह प्रॉपर स्लीप नहीं ली, ना नाश्ता कर रहा हूँ। तो मैंने अपने हैबिट्स में चेंज लाया, मैंने कुछ चीज़ें फिक्स कर ली। पहली चीज़ कि मुझे किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है, लगभग उसी टाइम पे सो रहा था, उठ रहा था पूरे साल भर। ठीक है, सेकेंड चीज़ मैं किस टाइम पे खाना खाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही, बट मैं 1 से 2 किस्म में खाना खा लूँगा। ठीक है, शाम को 8-9 के आसपास खाना खा लूँगा। तो ये चीज़ें तुम्हें फिक्स करोगे तो तुम्हें स्टडी के लिए माइलस्टोन्स मिलेंगे कि तुम्हें कब तक पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, तो तुम ब्रेक्स को और इन टाइम्स को मर्ज कर दो, ताकि तुम्हारा ब्रेक जो है वो एक्सटेंड ना हो जाए। ब्रेक 1 घंटे का ले लिया, फिर 1 घंटा खाना खा लिया, 2 घंटे से चले गए, फिर 1 घंटा पढ़ने का मन नहीं किया, ये होता है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इन सब से आपको कट डाउन करना है, राइट? ये दो चीज़ें टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका एकदम से लाइफस्टाइल चेंज कर देगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने खुद फॉलो की है, वो है कि यार तुम्हें लोगों की सुननी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी तुम ये हो, जो अच्छा करके गए हैं उनसे तुम्हें एडवाइस लेनी है हमेशा। ठीक है, पहले मेरा थोड़ा सा ईगो था कि यार मैं क्यों पूछूं जो एम्स में गया, ठीक है, ये क्या ही बता देगा।
बट स्टिल यू कम टू नो सम थिंग्स और फ्यू थिंग्स जिसको तुम अपने देखो ऐसे सुनना नहीं है, अगर तुम सुन के जाओ तो सुनो ही मत, ठीक है, सुनो। अगर तुम्हें वो चीज़ सही लगती है कि तुम्हारे इंप्रूवमेंट के लिए सही है तो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो पहली चीज़ है सुनना, एडवाइस सीख कर सकते हो ओकेशनली अपने टीचर से या ऐसे लोग जो अच्छा कर चुके हैं या ऐसे लोग जो अच्छा कर रहे हैं तुम्हारे क्लास में, अच्छे अगर टॉपर्स हैं तो उनसे बात करो यार, टॉपर्स नहीं है तुम्हें फ्रेंड से बात करो कि यार मैं मुझे बता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से आप एक अच्छा परफॉर्मेंस की तरफ जाओगे, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है डरना छोड़ दो, ठीक है, निडर बनना है। बहुत सारे बच्चे जो मैक्सिमम गलती करते हैं वो है डर डर के जीना, ठीक है। बोलोगे भैया डर डर लगता है टीचर से, डर लगता है अपने स्कोर से, डर लगता है फ्यूचर से, आई एग्री, सबके साथ होता है, किसी को गारंटी नहीं होती है टॉपर बनने, टॉपर बनने के बाद हर कोई ज्ञान देता है, ठीक है, बट उससे पहले किसी को गारंटी नहीं होती कि मैं क्या करने वाला हूँ, कितना स्कोर मेरा आने वाला है। तो पहली चीज़ डरना छोड़ दो एग्जाम्स से, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, मैक्सिमम बच्चे आप में से ऐसे होते हैं एक दो टेस्ट के बाद टेस्ट देना छोड़ देते हैं डर की वजह से, ठीक है, कि घर वाले क्या बोलेंगे। एक बंदा रोको अपने पास, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, चाहे तुम्हारे पापा हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, भाई हो, दादी हो, दादा हो, नाना नानी, कोई भी हो, अंकल आंटी, जिनसे तुम अपने नंबर शेयर कर पाओ, जो रियल नंबर है, ठीक है। मेरा ये सीन था यार, जब मैं फर्स्ट टाइम दे रहा था तो मैं काफी नंबर को मैनिपुलेट करता था, मैं काफी बार झूठ बोलता था कि यार इसमें पढ़ा नहीं था, ठीक है, इसमें मैंने यार सही से प्रिपरेशन नहीं की थी, पता नहीं क्या ही पूछ लिया, पेपर डिफिकल्ट था। नहीं, ये सब बहाने दोगे तो माइंड तुम्हारा सोचेगा उसी तरह से। मैंने हमेशा पूरे साल भर नंबर घर आके सच बताए, चाहे डांट पड़े, चाहे सेलिब्रेट हो नंबर, कुछ भी हो, ठीक है। बहुत बार कम, ऐसा नहीं कि नंबर कम नहीं है, कुछ टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, नंबर बहुत डिप कर है, बट स्टिल घर पे आके बताना जरूरी था। कई बार ओएमआर में बबलिंग में मिस्टेक कर दी, नंबर बहुत ही कम आ गए, ठीक है, बताओ घर पे आके, ठीक है, बताओगे थोड़ी डांट मिलेगी, थोड़ी सीख मिलेगी, थोड़ा सुनने को मिलेगा, बट हमेशा यार तुम्हें अपने ग्रोथ की तरफ देखना है, ठीक है। ये चार पॉइंट बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट जो मेरी तरफ से अपने अंदर ऐड कर लो, वो पांचवा पॉइंट ये है पेरेंट्स, ठीक है। तुम्हें काफ़ी बात ये अभी लगती होगी कि मेरे पेरेंट्स कितना बोलते हैं, मुझे भी बोला यार, बहुत बोला है, ठीक है। ऐसा किसी के पेरेंट्स, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं यार जो, देखो पेरेंट्स तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है, मानो इस चीज़ को, ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग यू, बट समझो ये चीज़ भी यार कि तुम्हें भी इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना, एक लिमिट तक लो, उसके बाद नहीं लेना। बहुत लोग पेरेंट्स बहुत कुछ बोल देते हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुझे मैं घर बिठवाऊंगा, शादी करवा दूंगा, आई एग्री, बहुत सारी चीज़ें होती है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि बोलते थे कि अगर तू नहीं पढ़ता है तो तेरा छुड़वा देंगे पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं यार, बट तुम्हें बस समझना है कि नहीं यार, ये मेरे अच्छे के लिए। और ये तुम्हें कब रियलाइज़ होगा, वो तुम्हें तब रियलाइज़ होगा जब तुम वो चीज़ हासिल कर लोगे, ठीक है। तब तुम्हें लगेगा कि अब तो पेरेंट्स कुछ बोल ही नहीं रहे, अब तो इतने खुश रहते हैं मेरे परफॉर्मेंस से। तो ये चीज़ तब होगी जब तुम अभी थोड़ा सा उनकी बातों को समझोगे। सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ होता है, तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ बीतती है, तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, एंड ये हर कोई कहता है, एंड दिस इज़ ट्रू, ठीक है, ये सच्चाई है, तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पेरेंट्स से सही से रहो, उनसे सच्चाई से रहो, और उनको सब कुछ बताओ कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें तुम फेस कर रहे हो, ताकि तुम्हारे ऊपर बर्डन ना हो, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि बर्डन बढ़ता है यहाँ पे यार कि मैं ये भी छुपा रहा हूँ घर वालों से, ये भी छुपा रहा हूँ, नहीं, बी क्लियर, राइट। और एक और टिप, लास्ट टिप, मैं सिक्स अपने एंड से जो ऐड करूँगा वो ये है, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीट ऐसा एग्ज़ाम हो गया है कि तुम बहुत कम चीज़ों पर फोकस करके, तुम्हें PhD नहीं करनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ में। तुम अगर सब चीज़ों का नॉलेज ले लोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लोगे, बहुत सारे रिविजन्स कर लोगे, मॉक टेस्ट MCQs कर लोगे, चीज़ें सवर जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी। बच्चे गड़बड़ ये करते हैं डर के मारे, यहाँ भाग लिए, अरे अरे अब तो नहीं हो रहा मुझे, मैं ये यहाँ पे कोर्स ले लेता हूँ, अब नहीं हो रहा मैं ये कोचिंग चेंज कर लेता हूँ, ये बुक चेंज कर लेता हूँ, नहीं, ठीक है। एक बुक, एक टीचर एंड एक टेस्ट, ये प्रेफरेबल होता है नीट के लिए। हाँ, ऑनलाइन में तुम्हें ये फ़ायदा है, अगर तुम्हारी एक मेन टीचर है तो उसके अलावा कोई एक और टीचर से पढ़ सकते हो अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, बट प्रेफरेबली मैं यही प्रेफर करता था और आप भी यही प्रेफर करो, तो तुम्हारा मेन टीचर है वो एक ही होना चाहिए, मेन बुक तुम्हारी एक ही होनी चाहिए,
चाहे वो एक एमसीक्यू बुक हो, एक थ्योरी बुक हो, और तुम्हारा मेन जो टेस्ट है वो एक मेन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, राइट? ये तीन चीज अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी, यहाँ वो भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और टेस्ट का नंबर को इतना सीरियस लेना नहीं है, लेना है ठीक है, बट उससे तुम अपनी अगली टेस्ट कभी खराब नहीं करोगे। जिस दिन टेस्ट हुई, मेरा एक रूल था यार कि जिस दिन मैं टेस्ट देकर आया 2 से 5 मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं उस टेस्ट को एनालाइज करूंगा, जितना दुख मनाना है, रोना है, नींद नहीं आ रही कर लूंगा, बट नेक्स्ट डे आई विल बी बैक विथ सेम पावर, सेम इंटेंसिटी, और अगले टेस्ट के लिए पढ़ूंगा। अगर तुमने ये चेंजेस ला दिए ना तो तुम्हें एम्स में से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बच्चे अंडर 1000 रैंक लाते हैं या एक अच्छी 650 प्लस मार्क लाते हैं उनके लिए सब बच्चे यही करते हैं। ये ज्ञान देना बहुत जरूरी था क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स दिखती नहीं है बट होती है, ठीक है? और ये चीज़ अगर तुम सुधार लोगे ना यार तो तुम अपने पढ़ाई में फोकस कर पाओगे, पढ़ाई और से कर पाओगे, तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। पढ़ाई एक फैक्टर है बट ये जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, नीट बस पढ़ाई का गेम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत लाखों लोग कर रहे हैं यार, हज़ार के अंदर लाख लाख लोगों में कुछ ये चीज़ें होती है जो आपको समझनी पड़ेंगी और इनको अपने अंदर इंकल्केट करना पड़ेगा, तभी आप जाके एक अच्छी रैंक, अच्छा कॉलेज, अपना ड्रीम कोर्स हासिल कर पाओगे, ठीक है? मैं मानता हूँ आज भी ये चीज़ कि मैंने अपने बहुत सारे बैचमेट्स से कम पढ़ाई की है। मेरे बैचमेट्स 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते थे, मैं बल्कि रोज के 7-8 घंटे पढ़ के, एवरेज सेशन टाइम जो मेरा था वो था 5-6 घंटे, वो पढ़ के मैं एम्स पहुंच गया और हाईएस्ट नंबर अपने सेंटर में स्कोर किए। इसका रीज़न ये नहीं था कि मैंने बहुत पढ़ाई की, इसका रीज़न ये था मैंने स्मार्टली वर्क किया है। तो स्मार्ट वर्क के ऊपर भी एक वीडियो आएगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर, इफ़ यू नीड अ वीडियो ऑन स्मार्ट वर्क, कि कैसे तुम स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क से मिला के रिजल्ट को फोड़ सकते हो, ठीक है? बाकी और से टिप्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर भी बहुत सारे नोट्स आने वाले हैं। बाकी लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब तुमने किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, ठीक है? अच्छा नहीं लगता है ऐसे, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।